हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 24 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दिस इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है टीबी बैक्टीरिया को लेकर के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टीबी, क्योंकि भारत के अंदर टीबी को लेकर बहुत अच्छे प्रयास चल रहे हैं इसको एलिमिनेट करने को लेकर के। तो टीबी की बीमारी है, सबसे पहले ही पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया से होती है, ना कि वायरस से होती है। सबसे पहली टर्म है टीबी, बैक्टीरिया से होती है ये। बी से आप याद रखिएगा बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होना चाहिए इसके बारे में आपको। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि बैक्टीरिया के खात्मे के लिए, यानी कि इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको मारने के लिए वायरस का प्रयोग होता है। आप समझिए इस बात को कि इस बैक्टीरिया को मारने के लिए वायरस का प्रयोग होता है, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये टर्म है, कई बार पूछी गई एग्जाम के अंदर कि बैक्टीरियोफेज क्या है। तो ये एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, स्पेशली टीबी के लिए बोला गया है इसको ये। अब टीबी को लेकर के भारत में क्या प्रयास चल रहे हैं, तो टीबी को लेकर के भारत में टारगेट रखा गया है कि 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये टारगेट आप याद रखिएगा। दूसरी बात, टीबी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है लंग्स, यानी कि फेफड़ों को। हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, उनको ख़राब कर देती है टीबी। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत में टीबी के लिए डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता होगा डॉट्स। आपने कई बार एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा डॉट्स का प्रयोग। इसकी एक प्रकार से दवाई है डॉट्स, ये दी जाती है टीबी मरीजों को। और BCG का टीका है, मतलब कि ये वैक्सीन है, BCG का टीका दिया जाता है टीबी को लेकर के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये टीबी से संबंधी कुछ यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, तो ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा। एक न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ है कि अभी इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत ही बड़ा उछाल, मतलब अच्छा उछाल आया इस बार। बताया गया कि इस साल 12 लाख ज़्यादा करदाताओं ने भरा है रिटर्न, यानी कि आप इनकम टैक्स रिटर्न की बात ये की जा रही है। तो इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो ये बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार 12 लाख ज़्यादा भरे गए हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बता दूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न यदि आप भरना चाहते हैं, या आपके सगे संबंधी हों, कोई मदर, फादर, ब्रदर, अंकल, आंटी, कोई भी, या आपके फ्रेंड्स हों जिन्होंने कि अभी तक रिटर्न अपनी नहीं भरी है, मैं आपको बता दूं, जिनकी इनकम 2,50,000 से ऊपर हो एनुअल, यानी कि वर्ष में 2,50,000 से ऊपर जिनकी भी इनकम है, उनको अनिवार्य है इनकम टैक्स रिटर्न भरना। तो यदि आपने नहीं भरा है तो 31 दिसंबर तक आप इसे भर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप ये इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं अभी भी, तो आप इसके लिए मुझे भी कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि मैं खुद एक टैक्स कंसल्टेंट हूं। तो आपको, आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें अच्छी फीस, कुछ इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। यदि आपको लगता है जिनकी भी रिटर्न अभी नहीं भरी है और जो वाकई भरना चाहते हैं रिटर्न, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसको लेकर के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं आगे। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, खेल मंत्री ने अभी आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। ये खेल मंत्री हैं, इनका नाम है किरण रिजिजू। तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, किरण रिजिजू हैं, केंद्रीय खेल मंत्री हैं, ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन्होंने अभी ओपन किए हैं, 8 नाम याद रखिएगा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कई सारे जो राज्य हैं इसमें, वो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 राज्य इसमें नॉर्थ ईस्ट के हैं। फिर साउथ में है, यहाँ पे केरल है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, और यहाँ पे एक और है उड़ीसा। तो 8 राज्यों के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 बात की जा रही है, पेरू में किसान कानून को लेकर कुछ आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, आप देख सकते हैं किस प्रकार का विरोध चल रहा है। तो ये यहाँ की पिक्चर है। तो पेरू की राजधानी का नाम है लीमा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है, सिचुएटेड है पेरू, ब्राज़ील से इसका बॉर्डर शेयर होता है, बोलीविया से, चिले से बॉर्डर शेयर होता है, और ये है आपका पैसिफिक ओशन इधर, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, इसी प्रकार से नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे पैसिफिक ओशन का है। अब यहाँ पे एक पेरुवियन करंट होता है, करंट मतलब पानी की जल धारा जो होती है, पानी की जल धारा, उसे करंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो करंट चलता है। तो पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट, ये दोनों एक ही नाम है,
पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट, ये कोल्ड करंट है। ये याद रखिए आप कि पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट दोनों ही कोल्ड करंट हैं और इस प्रकार से यहाँ बहते हैं पेरू के पास में, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है वाराणसी से हल्दिया के बीच में देश का पहला जलमार्ग मतलब कि स्टार्ट हो गया है, इसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे इसके बारे में चर्चाएं की जा रही हैं। ये तो ये देश का पहला जलमार्ग है जहाँ पर कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में सक्षम है, जो कि कंटेनर कार्गो हैंडलिंग का मतलब समझते हैं आप, जो कंटेनर होते हैं सामान ले जाने के लिए उसको हैंडल करने के लिए सक्षम है, ये वाराणसी से हल्दिया के बीच में बनाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कई सारे वाटरवे हैं इंडिया के अंदर 6 वाटरवे हैं, अलग अलग जगह पे हैं वो। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है जो कि इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा वाटरवे है नेशनल वाटरवे 1, ये आपका इलाहाबाद से और हल्दिया के बीच में है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया कई बार कि नेशनल वाटरवे 1 किस नदी पर है, नदी आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी नदी है वो, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है नेशनल वाटरवे नंबर 1 और सबसे लंबा वाटरवे है ये भारत का नेशनल वाटरवे नंबर 1, राइट। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मलयालम की एक कवयित्री हैं सुगाथा, तो मलयालम की कवयित्री सुगाथा जी हैं, ये इनकी यहाँ पे पिक्चर दी गई है, सुगाथा कुमारी इनका पूरा नाम। तो इनका निधन हो गया है कोरोना के कारण, कोरोना इनको हो गया था, कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इनका निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तित्व हैं ये, तो पद्मश्री इनको मिला है सम्मान। ये पर्यावरण और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो ये कुछ इनके बारे में जानकारी है। तो इनका आइडिया, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि पद्मश्री सम्मानित हैं और कोरोना के कारण इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनसे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, मलयालम से संबंधित हैं ये। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।